और वैसे भी अल्लाह ताला चाहे तो किसी बंदे के कितने अच्छे अमल क्यों ना हो, अल्लाह उनको ठुकरा दे, कोई अल्लाह से पूछ नहीं सकता। हदीस मुबारका में आता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे और उनके साथ साथ एक नेक बंदा जा रहा था जो बड़ा नेक था। अल्लाह की शान देखें कि सामने से एक गुनहगार बंदा आया। अब उस गुनहगार बंदे को देखकर उस नेक बंदे के दिल में ना एक नफरत पैदा हुई कि ये तो बेनमाजी है, शराबी है, जानी है, फलां है, फलां है, और मैं तो इतना नेक हूं। तो उस बंदे ने, वो जो नेक बंदा था, ये कह दिया अल्लाह मुझे इसके साथ आखिरत में जमा न करना, मुझे इसके साथ आखिरत में इकट्ठा न करना। तो जब उसने ये अल्फाज कहे तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को वही नाजिल की, ऐ मेरे प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम, मैंने इस गुनाहगार बंदे के सब गुनाहों को माफ कर दिया और इसको मैंने जन्नत दे दी, और इस नेक बंदे ने जो कहा था कि इसके साथ मुझे इकट्ठा न करना, लिहाजा अब ये जन्नत नहीं जा सकता, इस नेक बंदे को मैं जहन्नम में डालूंगा और उस बंदे को मैंने जन्नत अता फरमा दी।